हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग आर ओ आर ओ 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके सामने एक ये डाउट आ रहा है कि हम करंट अफेयर्स कितने महीने का पढ़ें। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यूपी पीसीएस में 35 से 38 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप एक साल का कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं, उसमें से आप 6-7 महीने का एकदम रट के जाते हैं, मतलब अच्छे से पढ़ के जाते हैं, बाकी के 6-7 महीने का अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वो उतना जरूरी है। 35 से 38 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं जब किसी एग्जाम में 90 के आसपास कट ऑफ जा रही हो और 150 क्वेश्चन आ रहे हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो आर ओ ए आर ओ है, उसमें आपके 20 से 21 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। ये 22-23 तक भी जा सकता है, हो सकता है कि ये कभी कभी 16-17 पे रह जाए, लेकिन 140 में से 20-21 क्वेश्चन के आसपास ही अप्रॉक्सीमेटली यही नंबर है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको एक साल का नहीं पढ़ना है, मतलब आप पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप समझिए। एग्जाम आप मान लीजिए आपका एग्जाम अक्टूबर में हो रहा है या नवंबर में हो रहा है, तो उसके 20 दिन पहले आप छोड़ दीजिए, उसके 20 दिन पहले का आपको नहीं पढ़ना है। उससे पीछे के 6 महीने जो हैं, वो आपको कायदे से तैयार होना चाहिए। मतलब अगर कोई इंसान मंथ वाइज तैयार कर रहा है, तो वो इस तरह से समझ सकता है कि आप अगर 2 से 3 मैगजीन का भी मंथली करंट अफेयर्स तैयार करके जाते हैं उन 6 महीनों में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वहीं से उठते हैं। लेकिन जो उसके पीछे के 4 महीने या 6 महीने हैं, वो आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपके सामने अगर ऑप्शन आए तो आप मार्क कर ले जाओ, आपको आंसर एकदम याद ना हो कि हाँ इसमें क्या था क्या था, लेकिन ये हो कि हाँ ऑप्शन अगर 4 आएंगे तो मैं इसमें एलिमिनेट कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन जो 6 महीने हैं एग्जाम के 20 दिन पहले के, उसके पहले के 6 महीने, वो आपको इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर कोई पूछे कि हाँ भाई हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री कहाँ लगाई जा रही है, तो आप बता सको कि तुमकुरु कर्नाटक में है। या कोई अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बीकानेर में है, या 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है वो मुंबई में है कि कहीं और है। इस तरह से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर ड्रोन की डिलीवरी का कोई हब वगैरह कोई बन रहा है, तो वो मेघालय में है कि चेन्नई में है, तमिलनाडु में, ये सब आपको इस तरह से क्लियर होना चाहिए उन 6 महीनों में। लेकिन जो उसके पहले का है, वो अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रखा है कि ऑप्शन में आएगा तो हम मार्क ले जाएंगे, इस तरह से आपको स्ट्रेटजाइज करना है। बिकॉज जिसका स्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करता है, कुछ कुछ 2-4 क्वेश्चन अगर टफ को छोड़ दो, तो वो व्यक्ति अगर करंट अफेयर्स को लाइटली लेके जाता है तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपका स्टैटिक नॉर्मल है, एवरेज है, जैसे हर किसी का होता है, तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उसमें आप लूज आउट नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट एग्जाम के 20 दिन पहले का 6 महीने का तो रटा होना चाहिए, उसके 4-6 महीने का आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। कोई इंसान है पहले से पढ़ रहा है, उसको थोड़ा सा टाइम हो गया है, पहले से वो प्रीलिम्स को टाइम दे रहा है, तो वो प्रॉपर 8 से 10 महीने का पढ़ के जाए अच्छे से, उसको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, एक मन में एक रहेगा कि हाँ यार मैंने 10 महीने का किया है तो मैं कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा, जो भी बेसिक बुक से आएगा, बेसिक सोर्स से आएगा। अब जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो वो कम से कम 6 महीने का पढ़ के जाए। आई होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिलेगी। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना,